सदा से सनातन संस्कृति सनातन धर्म के उत्थान के लिए काम करती है। आज महाराष्ट्र मुंबई में आकर जो हजारों लाखों लोग मानने वाले लोग हैं और देश के लोगों को और महाराष्ट्र के लोगों को, तीन दिनों तक मैं यहाँ पर रहूँगा और बहुत सारी मीटिंग्स हैं, बहुत सारे लोगों से मिलने हैं, चर्चाएं करनी हैं, पर सबका एक ही लक्ष्य है, सनातन धर्म का उत्थान और राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्रवाद की भावना से लोगों को भरना है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये मुंबई है, मुंबई के भीतर में सबसे ज़्यादा लोग, ये माया नगरी भी है लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन, ड्रग्स इत्यादि सबसे ज़्यादा होते हैं, तो कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं? हमारे यूथ, हमारे वो सेलिब्रिटी, हमारे वो लोग जो इस जीवन में बहुत तनाव में, क्या अध्यात्म से तनाव की मुक्ति हो सकती है? इस पर कार्यशाला भी आयोजित की जाएगी। उन तमाम लोगों के मिलने के बाद हम एक नई रूपरेखा तैयार करेंगे और पूरे महाराष्ट्र के लिए कैसे लोगों का उन्नत जीवन हो, अच्छा जीवन हो, इसके लिए कार्य करेंगे, सबको आध्यात्म से जोड़ेंगे। वसुधैव कुटुंबकम का नारा हर जगह लोगों तक पहुंचे, इसके लिए भी हमारा आगमन है। आने वाले लोकतांत्रिक महापर्व में भारतीय सनातन पद्धति को मानने वाले लोग, भारतीय सनातन धर्म संस्कृति, जो लोग धर्म संस्कृति और राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, वो लोग आगे आए, इसके लिए भी हम लोगों से वार्ता करेंगे। सतनाम महाकाल, थोड़ा पीछे आ जाओ यार, भाई साहब यहाँ देखिए, एक मिनट, एक मिनट, क्या हुआ आया तू? थैंक यू, एक मिनट। एक बार और देख लीजिए प्यार से, मैडम यहाँ देखो, मैडम को बीच में लो, आइए बीच में। चलिए गाड़ी भाई।